नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार में अब तैयार होने लगी पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची, 19 फरवरी को होगा अंतिम प्रकाशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 19 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को पंचायत निकायों के निर्वाचन निमित्त मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 123 में प्रावधान है कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है में जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे वे सभी व्यक्ति पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे। राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रवृत्त मतदाता सूची 1 जनवरी 2020 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई है। इसी मतदाता सूची के आधार पर अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अधीन पंचायत निकायों के निर्वाचन में नियमित मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं। लालू की किडनी सिर्फ 25% कर रही है फंक्शन, डॉक्टर बोले कभी भी खतरनाक हो सकती है स्थिति। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने इस पर चिंता जताई है और संबंधित विभागों को इस बारे में सूचित कर दिया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाजरत है। उन्होंने बताया कि लालू की किडनी मात्र 25% ही काम कर रही है। लालू का इलाज कर रहे रिम्स के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, लालू प्रसाद यादव का किडनी फंक्शन कभी भी बिगड़ सकता है, भविष्यवाणी करना मुश्किल है, यह स्पष्ट रूप से खतरनाक है और मैंने इसे अधिकारियों को लिखित रूप में दिया है। लालू की खराब तबीयत की जानकारी रिम्स प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय उनसे मिलने पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि खराब तबीयत की जानकारी मिली तो मैं हाल जानने पहुंचा। इसके अलावा बिहार के 2 RJD विधायक भी लालू से मिलने के लिए पहुंचे। जेल मैनुअल के मुताबिक लालू से मुलाकात के लिए शनिवार को 3 लोग रिम्स के पेइंग वार्ड में जा सकते हैं। शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी जो अब 6 सप्ताह बाद होगी। अगर लालू को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी खराब तबीयत की जानकारी मीडिया में सामने आई है। अश्विनी चौबे बोले, बिहार को पहले चरण में मिलेगी 7 लाख वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि पहले चरण में 6 से 7 लाख की संख्या में वैक्सीन आने वाली है। इसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य में है। दूसरे चरण में 1 करोड़ वैक्सीन आएगी। उसके लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्र सरकार से 2 वॉकिंग फ्रिज, 2 वॉकिंग कूलर तथा 900 डीप फ्रीजर ILR की मांग की है। केंद्र सरकार मांग पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रही है। व्यवस्था होने पर दूसरे चरण में आने वाली 1 करोड़ वैक्सीन के संग्रहण के लिए बिहार में कोल्ड चेन तैयार रहेगा। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सभी जिलों में व्यवस्था की जा रही है। वह शनिवार को बिहार में कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राजकीय अतिथिशाला में उन्होंने बैठक की। बैठक में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक निदेशक मनोज कुमार, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव वैजनाथ यादव, BMSIL के प्रबंधक निदेश प्रदीप झा और GM संजीव रंजन उपस्थित थे। नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने वाले साथीर आमिर खुसरो को पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ शनिवार को गिरफ्तार किया है। SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आमिर मुफस्सिल थाना
क्षेत्र के चूरीहरवा टोला का रहने वाला है। उसके पास से देसी पिस्तौल, 2 कारतूस, सेलफोन और रंगदारी मांगने में इस्तेमाल सिम कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार आमिर का आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी इरनवा, शिकारपुर व मुफस्सिल थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। SP ने बताया कि आमिर खुसरो ने विगत 11 सितंबर को इरनवा थाना क्षेत्र में व्यवसायी रजनीश कुमार से भी रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी थी। इसके बाद 22 नवंबर व 7 दिसंबर को नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा को फोन कर रंगदारी मांगी थी। सुशील मोदी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिलाई शपथ। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और BJP के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को केंद्र में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। शनिवार शाम 4 बजे सांसद भवन राज्यसभा चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुशील मोदी को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाई। सुशील मोदी राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। सुशील कुमार मोदी ने न केवल केंद्र की राजनीति में कदम रखा है बल्कि अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है। सुशील मोदी बिहार में दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। वह बिहार के ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने चारों सदन की सदस्यता अपने नाम की। सुशील मोदी इसके पहले लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राजगीर में जबरदस्त बवाल। हथियारबंद बदमाशों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बच्चे और महिलाओं को मरता छोड़ भागे पुलिस वाले। इस वक्त एक बड़ी खबर नालंदा जिले से सामने आ रही है, जहां राजगीर में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। शनिवार की देर शाम हथियार से लैस बदमाशों ने आतंक मचाया है। हथियारबंद बदमाशों ने बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को खूब पीटा है। दर्जनों बदमाशों ने हथियार, रॉड और लाठी डंडे से हमला किया है। लगभग 2 दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से कई लोगों को रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल से पुलिस वालों पर लोगों को मरता छोड़ फरार होने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला राजगीर थाना इलाके की है, जहां मुख्य बाजार में शनिवार की देर शाम हथियार से लैस बदमाशों ने लोगों के साथ खूब मारपीट की है। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दर्जनों लोगों को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया है। जानकारी मिली है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई है। घटनास्थल पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अपराधी जिससे मन उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पर CM की हाई लेवल बैठक में शराब गाथा। नीतीश बोले, जाम पर लगाम लगाए पुलिस, हमें बदनाम करने की हो रही है कोशिश। बिहार में हत्या, लूट और दूसरी आपराधिक घटनाओं के बीच शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी दफे लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की। पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि वे तो छात्र जीवन से ही शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं। बिहार पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू कराए। लॉ एंड ऑर्डर पर हुई इस हाई लेवल बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के मुख्य सचिव, DGP और तमाम आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। नीतीश कुमार बोले, हम तो छात्र जीवन से ही शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शराबबंदी खत्म हो गई। महिलाओं की मांग पर हमने बिहार में शराबबंदी लागू की है, इससे बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में अब जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए घूस देने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा आपका काम। बिहार में जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए अब लोगों को घूस देने या फिर अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंट की नीति अपनाते हुए नीतीश सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जमीन के म्यूटेशन के मामले में रिश्वतखोरी की शिकायतों से परेशान नीतीश सरकार ने इसका नया उपाय ढूंढ निकाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर
बिहार सरकार जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए नई सुविधा बहाल करने जा रही है। लोगों को जो ने सुविधा मिलने जा रही है उसके मुताबिक अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, जमीन के नए मालिक को सप्ताह के अंदर म्यूटेशन का कागज मिल जाएगा और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। एक साथ 12 दुकानों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। बिहार के बगहा में एक साथ 12 दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन दुकानों के रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि बारात में हुई आतिशबाजी या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। आग लगे की घटना अनुमंडलीय अस्पताल के पास घटी। अचानक 12 दुकानों में आग लगा देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कुख्यात रवि गोफ को जमानत मिलने का मामला, कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरना तय। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन सरकार फजीहत झेल रही है, लेकिन पटना पुलिस के कारनामे ने सरकार की नाक कटवा डाली है। कुख्यात रवि गोप की गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से जमानत लेकर उसका निकल जाना पटना पुलिस के लिए फिर किरकिरी बना हुआ है। अब इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। सेंट्रल रेंज के IG ने इस पूरे मामले पर सिटी SP वेस्ट से रिपोर्ट तलब की है। SP की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।